जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जी जय बोले जी। हेलो, जय बोले की भैया, जय बोले की भैया। वैसे तो मैं आपके साथ बैठ सकते हूँ, पर मेरे उसमें थोड़ा बैलेंस नहीं था तो मैं दूसरे नंबर पे आपको कॉल कर रहा था। हाँ जी भैया, मैंने आज एक वीडियो देखा था, जैसे कि वैष्णो देवी में पर डे लोग 12 से 13 हजार रोज यात्रा कर रहे हैं भैया, तो क्या अमरनाथ यात्रा में ऐसा कौन सा इश्यू है भैया, जो कि मतलब कोविड सारा वहीं पहुंच गया? देखो कि अब गवर्नमेंट का फैसला, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते ना, ना आप सरकारी अधिकारी, ना हम अधिकारी, ना हम नेता, ना आप नेता। जी जी जी, हम तो आम पब्लिक हैं। तो जैसे सर भैया, आप तो सरकार, मतलब मुझे लग रहा है सरकार ही नहीं चाह रही है कि यात्रा ना हो, वरना वैसे तो यात्रा हो सकती है। हाँ, बहुत सारे इशू ऐसे होते हैं जो नहीं भी बताती गवर्नमेंट कई बार, है ना, तो कुछ नहीं कह सकते। आज बनाने के लिए सारी तैयारियां कर रही है और काम की सारी तैयारियां कर रहे हैं उसको। हम तो कह रहे हैं आप 1 जुलाई से करा दो, आप जून में मत शुरू करो, आप 20 दिन की चला दो, 15 दिन की चला दो, जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया उनकी यात्रा करा दो। तो ये फैसला गवर्नमेंट के हाथ में, इस विषय पे बात करके ना, मतलब कोई भी वो नहीं है, समझ रहे बात आप? जी जी, ये तो ये है कि बस भोले बाबा जी का नाम लिए जाओ, प्रार्थना किए जाओ। भैया बहुत ही नाम ले रहा हूँ और मैं तो हर महीने पैसे उठा के रखता था उनके नाम से जोड़ जोड़ के, इतना बुरा लग रहा है कि खाना का जैसा नहीं लग रहा है, मतलब जैसे जैसे 28 तारीख पास आ रही है बड़ा बुरा समय चढ़ रहा है। यही सही सभी भक्तों का यही हाल है, भक्त रो पड़ रहे हैं फोन के ऊपर, आप विश्वास नहीं करेंगे। बहुत बुरा, मतलब रोने जैसा ही हाल है भैया। आज के मुझे फोन बंद करना पड़ जा रहा है मजबूरी में, किस किस के फोन उठाऊं, क्या बोलूं, क्योंकि हर किसी भक्त को समझाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, है ना। मतलब दिल मार ही रहा है, मतलब पता है कि आप जब भी कोई जवाब आएगा व्हाट्सएप करोगे, फिर भी दिल में ऐसी खलबली हो रही है कि भैया को फोन करो, क्या पता भैया के पास कोई गुड न्यूज हो, भैया को फोन करो। दिल अंदर से बोल रहा है, तो आर्मी वालों से बात हुई तो वो कह रहे कि हमें बालटाल भेज दिया गया है, हमें बोला परसों से बोल दिया कि बालटाल पहुंचो और अपना कैंप लगाओ वहाँ पे। कल एक टेंट वाले से बात हुई, ये कह रहा जी पहलगांव रूट में और बालटाल रूट में काम चालू है और रास्ता ठीक कर रहे हैं। अब ये न्यूज तो आ रही है, पर सबसे बड़ी न्यूज तो शाइन बोर्ड की है। मैं कह रहा हूँ किसी भंडारे वाले को कोई आदेश नहीं हुआ इस बार? अभी तक किसी भी भंडारे वाले की ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। एक की मिली मैंने, उनको बोला कि आपको जल्दी में बताया जाएगा, तैयारी करनी पड़ेगी उस टाइम में जी। बाकी भंडारे वालों को भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी को भी। बाकी यह सबसे बड़ी बात तो यह कि शाइन बोर्ड हाँ भर लेना जी, तो सारी निगाह तो वहीं टिकी हुई है जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। थोड़ा सा इंतजार, चलो भैया, है ना, जो ओके भैया, जैसा भी होगा वो तो। यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube के वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द और सही जानकारी आप तक पहुँचाई जाए। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।